खबर बलिया के बिलथरा रोड से है। देवरिया जिले के मईल थाना क्षेत्र से रविवार की सुबह 9 बजे गोवंश से लदे ट्रक से भागे दो पशु तस्कर नगर के एक विद्यालय के सामने जलकुंभी से भरे गढ़ी में कूद गए। मईल से भागे पशु तस्करों का पीछा कर रहे पुलिस के जवानों ने उभाव पुलिस की मदद से घंटों मशक्कत के बाद गढ़ी से तस्करों को बाहर निकाल मेडिकल मुआयना के बाद मईल पुलिस को सौंप दिया। बताया जाता है कि सुल्तानपुर जिले से 26 गोवंश ट्रक पर लादकर वध के लिए बिहार ले जाया जा रहा था, जिसे मईल थाना पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। इस दौरान चार पशु तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जबकि दो तस्कर मौके से भाग निकले, जिनका पीछा करते हुए मईल पुलिस के जवान रेल लाइन होते हुए बेलथरा रोड पहुंचे। अपने को घिरा देख दोनों तस्कर नगर के जीएमएम इंटर कॉलेज के सामने स्थित जलकुंभी से भरे गढ़ी में कूदकर छिप गए। मईल पुलिस ने गढ़ी को चारों तरफ से घेर उभाव पुलिस को सूचना दी। पुलिस और नागरिकों के सहयोग से घंटों मशक्कत के बाद दोनों तस्करों को गढ़ी से बाहर निकाला गया। पकड़े गए तस्करों की पहचान आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के नसीरपुर निवासी मुनीश पुत्र नूर नयन और रहौला थाना क्षेत्र के सूफीगंज निवासी इरशाद के रूप में की गई। उभाव थानाध्यक्ष अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए पशु तस्करों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल मुआयना के बाद मईल पुलिस को सौंप दिया गया।